क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बात है। मम्मा ने तारे तारे पॉकेट मनी तो नहीं मिली? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, पॉकेट मनी तो नहीं मिली। आज मैंने मामा का दुबट्टा इस्त्री किया है और वो मुझसे एकदम से थोड़ा सा जल गया। फिर मामा जैसे ही मुझे देखने लगी, मैंने कहा, मामा कल आपने ही तो मुझे बताया था कि अल्लाह अच्छी नीयत को देखता है। मेरा इरादा नीयत तो अच्छा ही था ना, अल्लाह ने तो मेरी नेकी लिख ली है। फिर मामा ने भी मुझे माफ़ कर दिया। वाह भाई आपी, ये तो बड़ी मजे की बात है। और हाँ मिट्टू, तुम क्या चटर चटर अमरूद खा रहे हो? हाँ भाई मिट्ठू, तुम सच कहते हो, सिर्फ मुसलमान ही रोजा रखते हैं। तुमने मिट्टू का दिल दुखाया। मिट्टू भी मुसलमान है, मिट्टू भी रोजा रखेगा, मिट्टू भी मुसलमान है, मिट्टू भी रोजा रखेगा। लो, मैंने भी अमरूद खा के शेरी खा ली, अब मैं भी तुम लोगों के साथ इफ्तारी करूंगा। हाँ, दिन के 10 बजे बता नहीं कौन सी सहरी होती है। हाँ जी, हाँ जी, होती है मिठू की सारी। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आज हमारा मौजू भी यही है, मेरे प्यारे अम्मी अब्बू। एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा, इसके बाद कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा कि बाद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा कि इसके बाद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। लो भाई, बाबा से तो कहते हैं मैं जो मर्जी कर लूं, बड़े के नज़र में तो माँ की गानी है। अरे भाई आदम, अब तस्वीर में देखो, ये जो बच्चा है ये अपनी मामा के नाखून तराश रहा है और ये जो बच्ची है वो अपनी अम्मी के बाल बाल संवार रही है। ओए माँ बैठी हुई जूस पी रही है, इस उम्र में तो माँ दवाइयाँ भी नहीं, ये बैठ के जूस पी रही है। नहीं मिट्टू, जिनकी औलाद देखो वो माएँ जूस ही पीती हैं, दवाइयाँ नहीं खाती। यहाँ भी तो देखो भाई, कैसे माँ यहाँ पर बच्चों को अल्लाह का तारुफ दे रही है और उनके साथ रेसिपीज बना रही है, उनको मजे करा रही है। तो फिर बच्चे माँ की नजर में ना पड़े, जब माँ तो इतनी मेहनत करेगी तो। चलो अब आगे पढ़े। हमारी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता अल्लाह ताला से है, क्योंकि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में लाने, हमारी परवरिश, तरबियत और हमारी देखभाल का जिम्मा माँ बाप को दिया है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बराह रास्त मोहब्बत करता है और हमारे माँ बाप के ज़रिए बिलवास्ता मोहब्बत करता है। इंसान अगर सारी ज़िंदगी भी माँ बाप की खिदमत करे तब भी उनका हक अदा नहीं कर सकता। माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप का हक अदा करो। देखिए माँ बाप अपने माँ अपने बच्चे को किस कदर मेहनत, मोहब्बत और शौक से पालती है कि एक लम्हा भी उसे अपनी निगाहों तवज्जो से ओझल नहीं होने देती। माँ बच्चे की पहली दर्सगाह है, उसे खिलाना, पिलाना, नहलाना और सवारना एक तरफ, उसे जीना सिखाती है। बच्चा अपनी माँ की आंख का नूर होता है।
इसके दिल को आबाद करता है। माँ उसके साथ खेलती है, उसे सिखाती है, पढ़ाती है और जिंदगी उसके लिए आसान बनाती है। सबसे कीमती चीज जो वो अपनी औलाद को देती है वो उसका ध्यान है और उसका वक्त है। वो अपनी बेशुमार ख्वाहिशात, एहसासात और वक्त अपनी औलाद पे कुर्बान करती है। आप किस कदर कीमती हैं कि माँ की ज़िंदगी के हर वक्त पे उसकी औलाद ही की तस्वीर है। बच्चे की खुशी उसका सुकून है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हकूक़ की बहुत ज़्यादा तलकीन की है। एक दफ़ा एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं अपनी माँ को कंधों पे बिठाकर हज करवाऊँ तो क्या मैं उनका हक अदा कर पाऊँगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो उस दिन का भी बदला नहीं जिस दिन उसने तुझे पैदा किया। एक मर्तबा एक सहाबी ने कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद पर जाने की इजाज़त चाही। उसकी माँ बूढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाकर अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। मिट्टू भी अपनी माँ को कंधे पे बिठाएगा? मिट्टू भी कहते कहते मिट्टू अपनी माँ को कंधे पे बिठाएगा? मिट्टू भी जहाद पे जाएगा? मिट्टू भी जहाद पे जाएगा? अच्छा, तो आप ही बाबा के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आदम, बाप को अल्लाह ताला ने जन्नत का दरमियानी दरवाजा कहा। जन्नत का दरवाजा? बाप जन्नत का दरवाजा? बाप जन्नत का दरवाजा? यहाँ देखो भाई आदम, यहाँ पर अहमर अपने अब्बू के साथ मिलकर गरीबों को खाना बांटता है। वो गरीब और मुस्तहिक बच्चों की मदद करता है। अब उसके बाबा नहीं है दुनिया में, तो वो अपने बाबा की कब्र पर बैठकर अपने बाबा के लिए दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मेरे प्यारे अम्मी अब्बू की मगफरत फरमा और उन्हें अपनी बहुत सी मोहब्बत अता फरमा। आमीन। तो तब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, तभी हमें दुआ मांगनी होती है? नहीं आदम, हम दुनिया में भी रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा पढ़कर अपने माँ बाप की मगफरत के लिए दुआ मांग सकते हैं। मैं भी अपने माँ बाप के लिए दुआ करूँगा। मिट्टू भी दुआ करेगा। और मेरे बाप इस तस्वीर में किया है? किस तस्वीर में किया है? देखो ना भाई मिट्टू, यहाँ पर अहमद के बाबा उसे पहले दूसरों में गरीबों में खाना बांट रहे हैं, तो अहमद भी देख रहा है, अहमद भी बांट रहा है। अब जब माँ बाप फिर दुनिया से चले जाते हैं तो औलाद भी फिर अच्छे काम करती है और अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने इस बार अपने बाप के बारे में शिकायत की कि उसका बाप उसका माल जाया करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सख्ती से ये बात कही, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि जिस शख्स ने अपने वालिदैन में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत ना की या उनके दिल आज़ारी की, तो अपने ही अमल के बायस अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया और जहन्नम में चला गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुन नसा में इरशाद फरमाया है, माँ बाप के साथ भलाई करो। यही बात अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में भी इरशाद फरमाई है। अगर तुम्हारे सामने उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ तक ना कहो। उफ तक ना कहो। आप ही मिट्टू को बताओ माँ बाप का कहना कब ना माना जाए? माँ बाप का कहना कब ना माना जाए? माँ बाप की इताअत सिर्फ उस सूरत में नहीं की जाती जब वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने का कहते हैं या किसी पे ना हक जुल्म करने का कहते हैं। तो आप ही हैं जो आप बच्चे माँ बाप के बारे में शिकायत करते हैं?
बहुत बार आप शिकायतें करते हैं, पता नहीं अम्मी अबू को क्या मसला है, पता नहीं अबू हर वक्त क्यों मना करते रहते हैं। मैं इस घर में पैदा ही क्यों हो गया, मेरे अम्मी अबू ही ऐसे क्यों हैं, वगैरह वगैरह। बच्चों याद रखिए कि आपके माँ बाप आपके सबसे ज़्यादा हमदर्द और खैर ख्वाह हैं। वो भी गलती कर सकते हैं, मगर वो आपका भला ही चाहते हैं। चलो जी आज का वादा करें, हम अपने माँ बाप की इज्जत और तकरीम करेंगे। वादा। हम उनके एहसान मंद रहेंगे। वादा। अदब और फरमाबरदारी करेंगे। पक्का वादा। हम अपने वालिदैन से हमेशा मोहब्बत करेंगे। मिट्टू पक्का का भी पक्का वादा। मिट्टू का भी वादा। हम उनके साथ ईमानदार रहेंगे। वादा। हम खूब मेहनत से पढ़ेंगे ताकि हमारे माँ बाप जिस मकसद के लिए हमें स्कूल भेजते हैं वो हासिल करें। वादा। हम रोजाना उनके लिए दुआ करेंगे। वादा। मिट्टू का भी वादा। मिट्टू का भी वादा। हम अपने माँ बाप से बदगुमान ना होंगे। वादा। मिट्टू का भी वादा। बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। वादा। जब हमारे माँ बाप दुनिया में मौजूद ना होंगे तो उनके लिए सदका जारिया बनेंगे। पक्का पक्का वादा। इंशाल्लाह। मिट्टू का भी वादा।